हमीरपुर के गांधी चौक पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता अभियान मनाया। इस उपलक्ष्य पर स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के अध्यापक भी शामिल रहे। बच्चों ने स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता अभियान मनाया। इस उपलक्ष्य पर स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल के अध्यापक भी शामिल हुए। बच्चों ने स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। हाथों में तख्तियां लेकर वे घर घर में यही नारा पर्यावरण रहे सुरक्षित हमारा जैसे नारे लगाकर सभी लोगों को स्वच्छता के संदेश दिए। ब्लू स्टार के बच्चों ने बताया कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान मना रहे हैं और रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और स्वच्छता अभियान को अपनाएं। हम यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है 2nd of October है, which is celebrated as गांधी जयंती, also लाल बहादुर शास्त्री जयंती। That's why हमने यहाँ पे रैली निकाली है लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। गांधी जी का एक जैसे सपना था स्वच्छ भारत का, तो हम लोग चाहते हैं कि ये मैसेज सब तक पहुँचे और सब लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि हम लोगों ने अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम लोग यही करते रहे और हमारा उसका, जैसे कि आपको पता है 2nd October से मोदी जी ने बताया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन होना है, तो आज से वो स्टार्ट कर दिया जाएगा कि वो उसका यूज़ खत्म कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द उनका, हम सबका यही होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बंद हो जाए। बच्चों ने कहा कि गांधी जी का ये सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ बने और हम चाहते हैं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे और सब लोग जागरूक हों कि हम सबको अपना पर्यावरण स्वच्छ व सुंदर बनाना है और अपने आसपास भी सफाई रखनी है और प्लास्टिक को प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा नुकसान पर्यावरण को प्लास्टिक की वजह से होता है। Birth anniversary of Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. By the Blue Star students, we are aware the peoples to clean and green and healthy nation. To spread the message that we should clean our environment and our surrounding so that our nation would becomes healthy and clean. As you all know that Narendra Modi ji also banned plastic, the single-use plastic that we are starting today. He also said that if we stop using plastic, then our environment, our surrounding and our nation will become clean and healthy. वहीं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा श्रुति ने बताया कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के गांधी चौक पर स्कूल के बच्चों द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता अभियान मनाया गया और साथ ही सभी देशवासियों को भारत को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। Myself Shruti, I am from Oxford International School. We are gathered here to organize a speech on the occasion of Gandhi Jayanti. As we all know that if we should have to clean the India, if we will not clean the India with ourselves, then how we can say to others to clean the India? The main motive of this skit to clean the India and the message given by this skit is to clean the India and we should motivate our friends, classmates, everybody to clean the India. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता अभियान चलाया था, उसी के चलते आज हमारे स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को स्वच्छता का संदेश दिया और कहा कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इंटरनेशनल स्कूल के छात्र यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे थे, जिससे हमारा ये संदेश देना चाहते थे कि स्वच्छ भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले शुरू किया था, इस नाटक से हम संदेश देना चाहते थे कि हमें अपना अगर हमें अपना स्वच्छ भारत चाहिए तो पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी। अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे सब लोग स्वच्छता करेंगे और इससे स्वच्छ भारत अभियान लागू हो जाएगा।